Hello everyone, this is Rumin Bubedi here. I am from Navi Mumbai, Maharashtra. I am a home chef. First of all, I would like to thanks Jhatpat team for giving us a golden opportunity to showcase our skill in front of you all. I would like to thanks Asai Kasai for this amazing product. Kya foodie hai or diet conscious ki? So, no worry about your diet food. Ab hum cooking kar sakte hain without oil. सीफ कुकिंग असाई कसाई की इस फॉइल पेपर को यूज करके यस अब आप कुकिंग कर सकते हैं विदाउट ऑयल इस कुकिंग शीट को यूज करके असाई कसाई एक जैपनीज प्रोडक्ट है इसको हम यूज कर सकते हैं एक बार यूज करने के बाद अगेन एंड अगेन आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ स्मोक कबाब की रेसिपी जिसे हम बनाएंगे असाई कसाई के फॉइल पेपर को यूज करके आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं स्मोक कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप सोया चंक 1/2 कप ग्राम फ्लोर 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड 1 टीस्पून क्यूमिन सीड ग्रेटेड अनियन मैंने ले लिए हैं यहाँ पर उसमें से पानी निकाल लिया है 2 स्टिक सिनेमन ले लिए हैं मैंने 2 स्टार अनीस अब सबसे पहले हम ऑल ड्राई स्पाइस को ड्राई रोस्ट कर लेंगे यहाँ मैंने असाई कसाई का फॉइल शीट लिया है इसे रोस्ट करने के लिए अब मैंने इसका पाउडर बना लिया है अब हम सबसे पहले सोख किए हुए सोया चंक को हरी मिर्चें नमक 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे इसमें और इसे कॉसली ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा मिक्सचर रेडी होना चाहिए अब इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती और अनियन ऐड कर देंगे इसमें इसके बाद हम ग्राम फ्लोर जो है बेसन जो मैंने लिया है 1/2 कप उसे हम रोस्ट कर लेंगे और इसे इस मिक्सचर में ऐड करके मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से सेंटर में इस तरह से एक वेल बना लीजिए और उसमें एक जलता हुआ चारकोल रखिए और उस पर 1 टीस्पून ऑयल डाल के इसे कवर कर दीजिए मिक्स कर दीजिए इसे अच्छी तरह से और इसके मीडियम साइज़ की टिक्की बना लीजिए आप अपनी पसंद से कोई भी शेप दे सकते हैं देखिए ये फॉइल पेपर जो है वो गर्म हो चुका है और अब मैंने इसमें कबाब रख दिए हैं अब इसे कवर कर लीजिए ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और दोनों साइड से भी हल्का सुनहरा हो जाए देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल चाहिए वंस अगेन इसे कवर कर लीजिए ये देखिए ये हमारे कबाब जो है रेडी हो चुके हैं आई एम वेरी हैप्पी दिस अमेजिंग प्रोडक्ट सेम फॉइल पेपर पर मैंने डाल दिए हैं रेडीमेड पराठा अब इससे हम पराठा रैप रेडी करेंगे कबाब पराठा रैप फ्रेंड्स जब तक मैं किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट किसी को भी रिकमेंड नहीं करती जब तक मैं खुद ट्राई ना कर लूँ और बिलीव मी आई एम वेरी हैप्पी दिस अमेजिंग असाई कसाई प्रोडक्ट आप 100% इसे यूज़ कर सकते हैं ये बिल्कुल ही सेफ़ है आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वॉचिंग